अमेरिका को हमारी जरूरत नहीं है, सऊदीज अरब्स पीछे हट गए हैं, और वो जो ट्रंप साहब ने आते ही ब्लॉक लगा दिया, उन्होंने कहा जी देयर इज नो मिलिट्री असिस्टेंस, तो अब जो भी आपने करना है वो इंटरनल करना है। किस तरह लोग अपने पेट में पत्थर बांधे, लोग चीखेंगे, मरेंगे, मर रहे, बल्कि मैं बता रहा हूं मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से दो वक्त की बजाय अब पाकिस्तान में एक बड़ा तबका है जो दिन के एक वक्त का खाना खा रहा है। इमरान खान तो फेल हो गए, अभी रूटीन में ठीक नहीं है, और हाल ही में ये भी पता चला है कि तकरीबन 40 बिलियन रुपीस की इरेगुलरिटीज हुई हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में। ये बताइएगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है पाकिस्तान, पहले तो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन ही और थी, आज पता चल रहा है 75 साल के बाद कि इस मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन ही बदल गई है। इस वक्त लोग उनकी तकारीर को सुनने के लिए तैयार नहीं, उनकी दोनों स्पीचेस में भी, और जब भी खान साहब जब भी स्पीच देते हैं, एक उनका ट्रेडमार्क बन चुका है कि पिछले लोग लूट गए हैं, खा गए हैं, पुराने कर्जे हैं, लेकिन खान साहब ये भूल जाते हैं कि आपके मैंडेट का हिस्सा अकाउंटेबिलिटी थी, आपके नारे थे ये कि हम मैं लूटा पैसा वापस लेकर आऊंगा, लेकिन एक डॉलर वापस नहीं लेकर आए। FBR में खान साहब ने कहा कि टैक्सेशन वसूल करना बहुत जरूरी है, बहुत हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन खान साहब आपके सारे यार दोस्त जो है वो सारे बिलियनर है, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनसे आप पैसे किस तरह लेंगे? आप तो हर चीज में NRO दे चुके हैं, हर चीज चीनी पे, अब जो नया सिस्टम लेकर जो उन्होंने जिसके लिए गए थे ट्रैक और ट्रेस जो थे TTS सिस्टम, उसका उसका चीनी पे इन्फोर्स करेंगे, पेट्रोलियम पे इन्फोर्स करेंगे, बेवरेजेस पे इन्फोर्स करेंगे, लेकिन माफिया पे कब इन्फोर्स करेंगे इसका कोई खान साहब ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि इसको किस तरह करेंगे। पहले फैशन था कि हर चीज के पीछे रा या CIA कर दिया जाता था, अभी शुक्र है कि इसका महंगाई का जो है उसको रा के साथ अटैच नहीं कर रहे, हो सकता है आगे फ्यूचर में चल के ये भी कर दे। लेकिन खान साहब को मैं देखिए आज बार बार कहा जा रहा है कि डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, डॉलर को इस तरह होगा, डॉलर को वो IMF से पैसे आ रहे हैं, $3 बिलियन जो सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं, $1 बिलियन IMF से आ रहा है, जो खतरनाक बात इस सारी चीज में मुझे नजर आ रही है, चीजें नजर आ रही है IMF पैकेज में। एक तो चीमा साहब IMF जो IMF का पैकेज है उसमें जो गवर्नमेंट की लेवी है, जो टैक्स है पेट्रोल पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, वो 30 रुपए तक ये लेके जाएंगे, चार चार रुपए हर महीने बढ़ाएंगे। एक तो वो एक बहुत बड़ा वो इन्फ्लेशन का तूफान जो है वो तैयार खड़ा है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की है उस IMF में साइन किया है कि 200 अरब रुपए के जो तरक्याती मंसूबे थे उनको स्लो या खत्म कर दिया जाएगा या स्लो कर दिया जाएगा। ये मेरे ख्याल में एक बहुत खतरनाक ट्रेंड जिस साइड पे जाया जा रहे हैं। आपने जब 40 बिलियन इरेगुलरिटीज कोविड पैकेज नहीं रोक सके, आप एक इंसानी अलमिया था जो लोग मर रहे थे सड़कों पे बगैर सांस के ऑक्सीजन के मर रहे थे, उस दौर में भी जिस कौम ने 40 बिलियन का टीका लगाया है, सबसे बड़ी बात यह थी कि उसको कोई रोकता, कोई अकाउंटेबिलिटी होती। खान साहब को सबको पता है, हर पाकिस्तान में रहने वाले इंसान को पता है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, इश्यू सबसे बड़ा ये है। इमरान खान तो फेल हो गए, अभी रूटीन में बातें करते हुए हर बंदा नजर आ रहा है, देखो महंगाई किधर पहुंच गई, इसने क्या किया, हालात खराब है, वो बस एक ढिंडोरा पीट रहे हैं, मैं सादिक और अमीन हूं। तो अगर इमरान खान फेल हो गया तो इसका क्या मतलब है कि क्या पाकिस्तान में अब जो स्टेबिलिटी है या जो हालात, अवाम किसकी तरफ देखेगी? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे नजर में मेरे जो ऑब्जर्वेशन थी, PTI का सबसे बड़ा सपोर्टर था एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड नौजवान, और इसमें कोई चेंज नहीं आएगी जो, और सबसे बड़ी बात यह है जो अलायंस है करप्शन का, जिसके जिसके इस हमाम में सारे नंगे हैं, वो नंगे के नंगे ही रहेंगे वो, क्योंकि नेशनलिज्म नहीं है, कौमियत नहीं है, हर एक को पता है मसला क्या है लेकिन मसले का हल कोई नहीं करना चाहता। जब तक वो नहीं होगा पाकिस्तान का आगे बढ़ना, ब्लीडिंग पाकिस्तान की नहीं रुकेगी। मैं अगले दिन एक किसी से बात कर रहा था, इस वक्त कौम क्या चाहती है? कौम चाहती है उनके पास वजीर आजम सामने खड़ा हो जिसके पेट पे पत्थर हो, और वो कौम फिर खुद भी पेट पे पत्थर बांध लेगी। लेकिन जब एक एलीट क्लास, मेरा मकसद है कि एक प्रिविलेज क्लास, रूलिंग क्लास, करप्ट लोगों के करप्ट बाहर के पड़े हुए बच्चे, वो जब 5-5 करोड़ की गाड़ियों से निकलते हैं, जब वो उनकी शादियों पे करोड़ों वहां लगते हैं, एक उनके साथ जब निकलते हैं तो 100-100 गाड़ी पुलिस की उनको प्रोटेक्शन देती है,
वो इस तरह जाते हैं जिस तरह वॉयस राय आया है अपने इलाके में, तो फिर वो किस तरह लोग अपने पेट में पत्थर बांधे, लोग चीखेंगे, मरेंगे, मर रहे हैं। बल्कि मैं बता रहा हूं, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से दो वक्त की बजाय अब पाकिस्तान में एक बड़ा तबका है जो दिन के एक एक, एक वक्त का खाना खा रहा है, और इसके हालात रुकते हुए नजर नहीं आ रहे। आपके जो इस वक्त स्टेट बैंक और आपकी जो मॉरिशस चलाने वाले हैं वो सारे वर्ल्ड बैंक IMF के मुलाजिम हैं, उनकी लॉयल्टी सिर्फ उनके साथ है, और ये वो कहते हैं जी पाकिस्तान की मॉरिशस खराब करने आए हैं। वो खराब पहले ठीक थी जो खराब करेंगे पहले ही। आप मेरा मकसद आप मुझे ये बताएं जिस हालात से चल रहे हैं आप, कोई एक 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 मुझे बता दें फलां डिपार्टमेंट इज आइडियल, देखे वो या फलां गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन इज प्रोड्यूसिंग मनी। मेरा मकसद मुझे अभी तक पाकिस्तानी सिचुएशन में कोई कन्वेंस, रेलवे देख लें, PIA देख लें आप, टैक्स कलेक्शन देख लें, आपके माफियाज देख लें, जखीरा अंदोजी देख लें, प्राइसें देख लें, अपनी फॉरेन पॉलिसी देख लें। आप मेरा मकसद कन्वेंस करें मुझे कि फलां चीज देखें जी बड़ी आइडियल चल रही है, खान साहब ने डिलीवर अपने 3.5 साल में किए, फलां चीज देखें जी बड़ी बहुत आगे चल चुकी, बहुत ठीक हो चुकी। एक भी चीज आइटम ऐसा नहीं है मेंशनेबल उसका बंदा कह के जी ये देखें आने वाले हालात बेहतर हो जाए। सऊदीया से फिर तेल इन्होंने उधारा मांग लिया, फिर दोबारा 3 अरब उधर से आएगा ये, और यकीन करें ये पैसा अभी भी ब्लीडिंग नहीं रोक रही बिल्कुल। ये पैसा जिस तरह अगर मेरे एक मैं खासकर मेंशन करना चाहूंगा कि जलजले के पैसे पाकिस्तान में जो जलजला आया था, जिस कौम ने उसके जलजले के पैसे नहीं छोड़े, जिन लोगों ने कोविड की एड के पैसे नहीं छोड़े, आप उनसे मर्सी समझते हैं कि वो रहम होगा, उनका जमीर उनको मुलामत करेगा जो कर रहे हैं। लेकिन खान साहब आए थे एक उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन इस वक्त कौम सख्त मायूस है, कौम को बिल्कुल एक पैट्रियाटिक और सिंसियर लीडरशिप की जरूरत है। अब वो कौन प्रोवाइड करता है ये सबसे बड़ा सवाल है। निशान अभी अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि साहब यू नो एक्सटर्नल डेट जो है पाकिस्तान का जो बढ़ता चला जा रहा है वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये बड़ी नई सी बात है क्योंकि खान साहब ने कभी ऐसा पहले तो बोला नहीं चीमा साहब। शुरू से ही अगर आप पिछले 75 साल का हमारा पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सारी की सारी ग्रोथ है ना ये एक बोरोड ग्रोथ रही है। चीजें बड़ी क्लियर होती जा रही हैं। अमेरिका को हमारी जरूरत नहीं है, सऊदीज अरब्स पीछे हट गए हैं, और वो जो ट्रंप साहब ने आते ही ब्लॉक लगा दिया, उन्होंने कहा जी देयर इज नो मिलिट्री असिस्टेंस, तो अब जो भी आपने करना है वो इंटरनल करना है। तो इंटरनल तो टैक्सेस देने की भी आदत नहीं थी, पैसा कलेक्ट होता नहीं था। तो अभी ये जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं ये इज एब्सोल्युटली टॉकिंग सेंस कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुका है कि अगर आपका मुल्क इसी तरह बार बार पैसे मांगता रहा, आपने जो लोकल बॉर्डर प्राइवेट बैंकों से भी पैसे पकड़े हुए हैं, आपने बाहर से भी कर्जे ले रहे हैं और हम कर्जे लेते हैं सूद देने के लिए, सो दिस इज अ वेरी सीरियस क्राइसिस। सो ये जो अभी वैसे ही इनको कहना नहीं चाहिए था, ये लफ्ज बोलना नहीं चाहिए था मेरी जाती राय में, क्योंकि इससे ज्यादा और कमजोरी शो होती है।